हेलो, चलो मेरी जान, मैं तैयार हूँ, अब चलें। बिल्कुल। मुझे तो लगता है यिल्दिज़ ने उन्हें भी अपने रंग में रंग लिया है। शायद कोमल बेटा, वो दोनों चाहते हैं एक दूसरे को। देख रही हूँ चाहत उनकी। ये बात समझ लो कि अब इनकी शादी कागजी नहीं रही। यिल्दिज़ और तुम्हारे बाबा अब सच में एक हो गए हैं। आलिया साहिबा, क्या आपकी मंगनी टूट गई है? क्या ये सच? ऐसा कुछ नहीं। मैंने आप लोगों से कहा ना कि इसे सवाल करके तंग ना करें। अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मेरी दोस्त का दिल टूटा हुआ है। बहुत अफसोस है मुझे तुम्हारे लिए। यिल्दिज़, तुमने मुझसे उलझकर जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। ये अल्फाज कई दफा तुम्हारे मुँह से सुन चुकी हूँ। तुम्हें नहीं उलझना चाहिए था मुझसे। तुम्हारी सांसें तंग कर दूंगी मैं तुम पर, और तुम्हारा शौहर भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। अल्लाह का शुक्र है आसमा साहिबा। जब कोमल से हमारी जान छूट जाएगी तो देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। हम सब सुकून से रहेंगे। मैंने आसमा साहिबा और आयशा को बातें करते हुए सुना है। वो लोग मुझे घर से बाहर निकालने का प्लान कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बाबा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। यिल्दिज़ का बस बच्चा हो जाए और हम कोमल को घर से निकाल देंगे। कैसे लोग हैं ये? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बाबा, इस मामले में मैं आपसे घर पर बात करूंगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। कोमल ने क्या कभी अपने बाप का तशद्दुद सहा है? कुछ दिन पहले मैं उससे मिलने गई थी। आंख के नीचे एक छोटा सा जख्म भी था। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कोमल ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती है, और वो उस आदमी के साथ उस घर में क्यों रह रही है? खौफ आकिफ, ऐसा नहीं चल सकता। मैं भी दुआ करती हूँ कि कोई मौजजा हो जाए और दुआन अचानक कहीं दूर चला जाए। वफा है शजरे ममदूद।